हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सुपर क्रैश कोर्स वीडियो सीरीज। आज का टॉपिक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। यहां पे मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, द वैल्यू ऑफ लिमिट। यहां पे हमें लिमिट गिवन है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल है, जो लिमिट है ना इसका सिंपल माने है x इज इक्वल टू 3। यहां पे आपको चेक करना है, ओके? तो करो यहां पे वैल्यू पुट, 4 इंटू 3 क्यूब, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, माइनस x की जगह पे आपने 3 पुट करना है, माइनस 3 प्लस 1, ओके? नाउ 4 इंटू 3 क्यूब कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके? तो ये हमारे पास बनेगा 27, माइनस 3 जार 9, 9 टू जार 18, माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास बनेगा 108 माइनस 18 माइनस 2, ठीक है? तो ये हमारे पास बनेगा 88। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तो यहां पे हमारे पास करेक्ट आंसर आया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स, यहां पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, हमने फाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। नाउ हमारे पास नंबर लाइन होती है, यहां पे कोई भी नंबर लो, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2, इसके इस साइड आ गया लेफ्ट हैंड एंड इधर आ गया राइट हैंड। यहां पे हमें लेफ्ट हैंड फाइंड करना है, यानी 2 के लेफ्ट में, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे माइनस से, ठीक है? एंड आगे को डिनोट करते हैं हम प्लस के साथ, ओके? तो आइए हम करते हैं, हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है लेफ्ट हैंड एफ ऑफ एक्स। अब इसका क्या मतलब है, 2 से जो लेफ्ट में होंगे ना वो 2 से छोटे होंगे, ठीक है? तो हमारे पास यहां पे लेफ्ट हैंड के लिए क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, यानी एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2, ठीक है? तो यही वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी है, तो हमारे पास बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स की कौन सी वैल्यू आएगी, 2x प्लस 3, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास है x लेस देन आर इक्वल टू 2, ठीक है? तो हमारे पास बनेगा 2x प्लस 3, तो इज इक्वल टू, यहां पे वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 2 प्लस 3, टोटल्स आर 4, 4 प्लस 3 तो आएगा हमारे पास 7, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने यहां पे फाइंड की लेफ्ट हैंड लिमिट, आपने यहां पे फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट, ठीक है? राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, ये वाला x ग्रेटर देन 2, क्योंकि अगर यहां पे देखोगे 2 के आगे यहां पे जितने भी होंगे, देखो जरा नंबर लाइन देखो आप, ये हमारे पास नंबर लाइन होती है, यहां पे 0 1 2 3, यहां पे -1 -2 एंड सो ऑन। देखो राइट वाले साइड सारे बड़े होते हैं एंड लेफ्ट वाले साइड छोटे होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ग्रेटर देन का मतलब राइट हैंड साइड। तो हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट आएगी उसमें ये वैल्यू आएगी, आप इसको सॉल्व करना और मुझे इसका आंसर जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, हमें यहां पर फाइंड करना है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। यहां पर हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है? मैं लिखूंगा ये एफ ऑफ एक्स, मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या है, ये आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स में लिखता हूं सीधा डायरेक्ट, ठीक है? यहां पे वैल्यू पुट करो, आएगा 0। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, प्लस का मतलब राइट हैंड साइड में, ठीक है?
एफ ऑफ एक्स, तो राइट हैंड साइड मतलब ग्रेटर वाला आया ये एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर, अब वैल्यू पुट करो ये भी जीरो। लेकिन अगर हम लेंगे जीरो पे यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो यानी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वहां पे हमारे पास क्या है, वहां पे हमारे पास वन है, तो हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिट, सॉरी मैं सीधा लिखता हूं यहां पे, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट के, बट ये इक्वल नहीं है एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए या लिखो एफ ऑफ जीरो के, इसका मतलब दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इवेलुएट, हमने इसको इवेलुएट करना है, ओके तो आइए हम करते हैं। यहां पे हमें लिमिट फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, क्योंकि यहां पे थ्री है, ओके तो आओ जरा करो लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, यहां पे भी आपको पहले राइट हैंड लिमिट निकालो, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा मॉड एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर यहीं पे हमारे पास अगर ये मॉड नहीं होता ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री यहां पे होता है एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर, इस तरह का कुछ होता ना, यहां पे आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी, आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेने की नहीं जरूरत थी, बट यहां पे हमारे पास मॉड है ना, इसकी वजह से सारी परेशानी है, ठीक है, तो आइए जरा इसको करो। हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव यानी हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मैं यहां पे लिखता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट ताकि आपको भी याद रहे ये किसके इक्वल आएगा। अब देखो यहां पे आपको एक और चीज याद रखनी है, जब भी आपके पास ये मॉड होगा ना वहां पे आपको क्या पुट करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच, ठीक है, जहां पे जो ए है ना ये वाला है यानी जो हमारे पास लिमिट है, यानी यहां आप पुट क्या करोगे एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस एच, ठीक। अब हमारे पास एक्स क्या है थ्री है, आप लिखोगे एज एक्स टेंड्स टू थ्री, अगर हम एक्स की वैल्यू थ्री रखेंगे हमारे पास क्या बनेगा थ्री इज इक्वल टू थ्री माइनस एच, ठीक है, ये जब इस साइड आएगा ये बनेगा जीरो यानी हमारे पास एच की वैल्यू बनेगी जीरो, ओके तो हम लिखेंगे आप लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, उसके बाद मॉड, अब हमारे पास x की जगह पे क्या है a माइनस एच यानी 3 माइनस एच, 3 माइनस एच और यहां पे माइनस 3 अपन, यहां पे भी वही करो आप 3 माइनस एच माइनस 3, ओके ये और ये खत्म हो गया 3 माइनस 3 जीरो, यहां पे भी खत्म हो गया, ओके नाउ मॉड ऑफ h अब ये बनेगा पॉजिटिव वैल्यू इसकी क्योंकि मॉड है ना अपन ये और ये कैंसल हमारे पास आया माइनस वन, ओके। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम यहां पे राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं, ओके तो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखता हूं मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री पॉजिटिव, ठीक है, एक्स माइनस थ्री अपान एक्स माइनस थ्री। अब यहां पे हम क्या पुट करेंगे, यहां पे हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, लेफ्ट हैंड के लिए आपको क्या पुट करना है एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच और राइट हैंड के लिए आपको पुट करना है ए प्लस एच, सिर्फ इतना डिफरेंस है बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ओके तो देखो ए हमारे पास क्या है थ्री तो एक्स आपने पुट करना है थ्री प्लस एच। अब यहां पे जब थ्री रखोगे आप लिखो आप एस एक्स टेंड्स टू थ्री, जब यहां पे आप थ्री रखोगे ये इधर आएगा बनेगा थ्री माइनस थ्री जीरो तो एच आपको जाएगा जीरो की ओर, ठीक है तो करो एच टेंड्स टू जीरो प्लस, ठीक है तो यहां पे क्या वैल्यू पुट करनी है आपने थ्री प्लस एच माइनस थ्री एक्स की जगह पे, ओके मॉड लगा दो बाहर से अपान ए प्लस एच नहीं सॉरी थ्री प्लस एच है थ्री
प्लस एच माइनस थ्री, ठीक है, ये और ये खत्म हो गया, ये और ये खत्म, आ गया हमारे पास एच अपान एच, तो आ गया वन। अब देखो जो राइट हैंड लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको एक ही चीज यहां पे याद रखनी है, जब भी आपको मॉड दिखे ना आपको इस तरह से करना है, एंड आपको एक चीज यहां पे एडिशन क्या करना है, एक्स आपको पुट करना है ए प्लस एच, बाकी कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इवेलुएट, हमने इसको इवेलुएट करना है, ठीक है, तो करो सिंपल, आप वैल्यू पुट करो, अगर आप यहां पे वैल्यू पुट करोगे ना तो आपके पास यहां पे आएगा जीरो, आप करके देखना, और अपान में भी आपके पास आएगा जीरो। अब जब भी आपके पास जीरो अपान जीरो आए या इनमें से कोई भी फॉर्म आए, इनको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जब इनमें से आपके पास कोई भी फॉर्म आए ना उस टाइम पे अप्लाई होगा एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, वो कहता है ऊपर से भी आप डिफरेंशिएशन दो, नीचे से भी डिफरेंशिएशन दो। आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको अक्सर ये और ये वाली फॉर्म आती है, ये ज्यादा नहीं आती है, ठीक है, तो आपने इन्हीं पे ज्यादा फोकस रखना है। ओके, यहां पे अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास लिमिट है। बहुत सारे बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है, वो मुझे कहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यहां पे आपने यू अपान वी का फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं किया। यहां पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा, यानी ऊपर से अलग से हमें मिलेगा और नीचे से अलग से आएगा, ठीक है, इसीलिए यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए करते हैं, हमारे पास आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, ऊपर से दे दो डी अपान डी एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स, ओके, फिर नीचे से अलहदा दे दो डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, ठीक है, करो जरा इसको आप डिफरेंशिएट, हमारे पास क्या आएगा, देखो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डी अपान डी एक्स एक्स की पावर एन, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं जो एन है ये पीछे आता है, यानी एन एक्स, और यहां पे माइनस वन हो जाता है, एन माइनस वन, जब यहां पे करोगे हमारे पास बनेगा थ्री एक्स, और थ्री से माइनस वन होगा यानी स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस यहां पे करोगे सिक्स एक्स स्क्वायर, इसकी जब डिफरेंशिएशन करोगे, पहले ये कॉन्स्टेंट है ये इधर ही रहेगा, इसकी करो ये हमारे पास बनेगा टू एक्स, और इसमें से जब वन तो वन, ओके, जब टू में से माइनस वन करोगे वन, सिक्स टू जा ट्वेल्व, मैं लिखूंगा डायरेक्ट ट्वेल्व एक्स, उसके बाद एक्स की डिफरेंशिएशन वन होती है तो यहां पे आएगा इलेवन मल्टीप्लाई बाय वन मतलब इलेवन, और ये जो कांस्टेंट है ना ये बेचारा यहां पे अकेला है, और इसकी डिफरेंशिएशन होती है जीरो। जीरो क्यों होती है, बिकॉज डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज, अब कांस्टेंट में कोई चेंज होगी नहीं तो जीरो होगा, ठीक है, फिर अपन यहां पे लिमिट साथ रखना, आप लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, ओके, इसके डिफरेंशिएशन करो, अब आएगा हमारे पास टू एक्स, ठीक है, समझ गए आप, माइनस सिक्स, क्योंकि एक्स की डिफरेंशिएशन वन और एट की आएगी जीरो। अब यहां पे जरा चेक करो आप क्या हमारा निकल रहा है या फिर जीरो अपन जीरो फॉर्म आ रही है, देखो यहां पे पुट करोगे थ्री और टू यहां पे पुट करो, माइनस ट्वेल्व इंटू टू प्लस इलेवन, ठीक है, अगर यहां पे भी हमें जीरो अपन जीरो फॉर्म आई तो हमें एक बार फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, टू इंटू टू माइनस सिक्स, तो हमारे पास कितना बना, टू टू जार फोर, फोर थ्री जार ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व टू जार 24 प्लस 11 अब नहीं आएगा, अपान टू टू जा 4, 4 माइनस 6, ठीक है, तो इसको जरा सिंप्लीफाई करो आप, हमारे पास कितना आएगा, 12 में से 24 निकालो तो हमारे पास, या इसको इसको पहले प्लस करो, हमारे पास आया 23 माइनस 24 अपान माइनस 2, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 1 अपान 2 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इवेलुएट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहां पे हमारे पास गिवन है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक्स की फटाफट से वैल्यू पुट करो, यहां पे हमारे पास बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर,
तो यहां पे भी हमारे पास आएगा जीरो अपान जीरो फॉर्म, ठीक है। यहां पे भी हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करेंगे। आइए करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, डी अपान डी एक्स। नाउ यहां पे हमारे पास है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको एक चीज याद रखनी है, रूट का मतलब होता है पावर वन अपान टू। अगर हमारे पास रूट एक्स होगा मतलब एक्स की पावर क्या है, वन अपान टू है। आप रूट को हटा के वन अपान टू लिख सकते हो, अगर वन अपान टू होगा उसकी जगह पे रूट ला सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर कितनी, वन अपान टू माइनस, इसी तरह से ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर वन अपान टू। और अपान में भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वेयर, ठीक है। जरा करो यहां पे डिफरेंशिएट, इसको भी आपने डिफरेंशिएट करना है, इसको भी करना है। तो हमारे पास बनेगा इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। इसकी जब सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे वन अपॉन टू है, तो हमारे पास एक्स की पावर एन, क्या डिफरेंशिएशन होती है, एन एक्स एन माइनस वन, एन हमारे पास क्या है, वन अपॉन टू है, यानी पहले वन अपॉन टू पीछे आएगा, हमारे पास बनेगा वन अपॉन टू, ठीक है, एन टू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इन टू वन अपॉन टू फिर माइनस वन, तो वन अपॉन टू माइनस वन कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करो, हमारे पास बनेगा वन माइनस टू अपॉन टू, ये बनेगा माइनस वन अपॉन टू। मैं यहां पे लिखता हूं माइनस वन अपॉन टू, ठीक। उसके बाद ये जो अंदर है ना, इसकी भी आपने डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, d अपान डी एक्स एन टू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इसकी जब डिफरेंशिएशन करोगे, यहां पे ए स्क्वेयर है कांस्टेंट की जीरो, एक्स स्क्वेयर की टू एक्स, ठीक है। तो यहां पे आपको मल्टीप्लाई में लिखना है टू एक्स, बस ये चीज आपको याद रखनी है, यहां पे मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसी तरह से आप आगे करो, यहां पे भी हमारे पास है सैम, सिर्फ माइनस है, तो बस यहां पे वन अपान टू, इसी तरह से लिखो वन अपान टू और यहां पे माइनस वन अपॉन टू। अब यहां पे जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ना, इसकी भी करनी है, तो यहां पे इस वक्त क्या है, माइनस है, तो वो इसके साथ रहेगा, यानी यहां पे आएगा माइनस टू एक्स और अपान में इसकी डिफरेंशिएशन करो टू एक्स, ठीक। अब देखो यहां पे हमारे पास टू है, यहां पे भी टू है, कैंसल, ये वाला टू और ये वाला टू कैंसल, यहां पे माइनस माइनस प्लस, यानी इसको यहां से हटाओ तो यह हमारे पास यहां पे आएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, अब हमारे पास रहा यहां पे रहा x, देखो यहां पे भी x है, यहां पे भी हमारे पास x है, इसको आप कॉमन निकाल सकते हो, तो आपके पास क्या बनेगा, x बाहर एंड हमारे पास बनेगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर आएगी माइनस वन अपॉन टू प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इसकी पावर माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। x हमने कॉमन बाहर निकाला अपान 2x, अब ये x और ये x कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा ये, अब यहां पे डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, जब यहां पे आप लिमिट पुट करोगे ये बनेगा जीरो, यहां पे बचेगा a स्क्वायर और इसकी पावर माइनस वन अपान टू। इसी तरह से यहां पे जब आप पुट करोगे ना लिमिट, यानी x की वैल्यू जीरो पुट करोगे, यहां पे भी आपके पास बचेगा प्लस ए स्क्वेयर और इसकी पावर माइनस वन अपान टू। अब यहां पे टू है और ये कैंसल और अपान में हमारे पास है, अपान में हमारे पास है टू, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, ए की पावर माइनस वन। मैंने आपको बोला है जब भी हमारे पास पावर हो माइनस में, ए की पावर माइनस वन इसका मतलब होता है वन अपान ए, ठीक है, यानी उल्टा हो जाता है, इनवर्स है इसका मतलब। तो हमारे पास बनेगा वन अपान ए, ये जो 2 है ना इसको आप बाहर से रखो, 1 अपान 2 है ये, ठीक है, 1 अपान ए प्लस 1 अपान ए, ओके 1 अपान ए प्लस 1 अपान ए, ये किसके इक्वल होता है, मैं यहां पे लिखता हूं, देखो 1 अपान ए प्लस 1 अपान ए, इनका एलसीएम क्या निकलेगा, ए निकलेगा, ठीक है। फिर इसको क्या करो आप, 1 प्लस 1, क्योंकि एलसीएम ए है ना, फिर ऊपर से भी 1 ये भी 1, हमारे पास बना 2 अपान
टू अपान सॉरी टू अपान ए, तो मैं यहां पे लिखता हूं डायरेक्ट हमारे पास है इज इक्वल टू वन अपान टू एन टू क्या बना टू अपान ए, ये और ये कैंसल हो गया, हमारे पास बचा वन अपान ए, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहां पे मैंने कुछ मेथड्स लिखे हैं जो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, ठीक है, एंड कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर हमारे पास सेक एक्स की डिफरेंशिएशन होती है खुद सेक और टैन, खुद को भी साथ रखता है टैन को भी साथ रखता है। फिर यहां पे कोसेक एक्स, कोसेक एक्स खुद को साथ रखता है एंड कॉट को साथ रखता है, कोसेक एक्स कॉट एक्स, लेकिन सिर्फ यहां पे माइनस आपको ध्यान रखना है, कोसेक एक्स के साथ माइनस होता है सेक के साथ नहीं होता है। फिर हमारे पास टैन एक्स, टैन एक्स की होती है सेक स्क्वायर एक्स एंड कॉट की होती है माइनस, ये जो सी वाले है ना इनको माइनस साथ होता है, ये आपको याद रखना है। देखो कॉस की जब हमने डिफरेंशिएशन की वहां पे भी माइनस, कोसेक की हमने की वहां पे भी माइनस, कॉट की वहां पे भी माइनस, ठीक है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। फिर e की डिफरेंशिएशन, यहां पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, e की डिफरेंशिएशन बेचारा e की पावर x ही होता है। फिर आई एन, आई एन का मतलब होता है log, log x, log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपान x, ये भी आपको याद रखना है आई एन, तो बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर a की पावर x, ये हमारे पास होती है a की पावर x इंटू log a। फिर x की पावर x, कभी कभार आपके पास ऐसा होगा tan x की पावर tan x, ठीक है, बताओ भाई इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, तो सिंपल आपको यहां पे लिखना है x की पावर x फिर 1 प्लस log x, ठीक, तो निकल जाएगी आपकी डिफरेंशिएशन। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास फॉर्मूलाज याद होंगे आप इसको फटाफट से कर सकते हो। फिर log a x, ये आपको ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर 1 प्लस x की पावर 1 अपान x, कभी कभार ये भी काम आ जाता है, सिंपल e आपको लिखना है 1 प्लस x और इसकी पावर अगर होगी 1 अपान x, यानी जो यहां पे है वही यहां पे भी है, तो सिंपल e आएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 1 अपान x, और यहां पे इस वक्त सीधा है, जब यहां पे अपान में यहां पे सीधा होना चाहिए तब भी आएगा e पे, ठीक है, और ये भी ज्यादा जरूरी आपके लिए नहीं है, बस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू a log of x माइनस log a, ठीक है, यहां पे हमने क्या करना है लिमिट फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम क्या है a को पुट करो, यहां पे बनेगा log a माइनस log a हो गया जीरो, ठीक है, सॉरी ओके आ गया जीरो अपन, यहां पे पुट करो, यहां हमारे पास आएगा tan a माइनस ए, यानी टेन जीरो वो भी होता है जीरो, तो यहां पे भी हमारे पास क्या है जीरो अपान जीरो फॉर्म, यहां पे भी हम एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करेंगे, करो जरा आप भी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहां पे हमारे पास डी अपान डी एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग ए अपान, अपान में भी आप करो डिफरेंशिएट इसको, ठीक है, डी अपान डी एक्स एंड हमारे पास बनेगा tan n to x माइनस a, ठीक है। अब इसको जब डिफरेंशिएट करो, अभी मैंने आपको बोला log की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 अपान x, ठीक है, हम लिखेंगे 1 अपान x और ये कांस्टेंट है log a, यानी यहां पे कांस्टेंट है ना, ओके तो ये पूरा कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो लिखते हैं log a की डिफरेंशिएशन 1 अपान a, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये कांस्टेंट है तो जीरो। फिर यहां पे हमारे पास tan x, tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा, देखो tan x की sec स्क्वायर x, ठीक है, तो हम लिखेंगे sec स्क्वायर x की जगह पे ये हमारे पास है, ओके अब जरा आप a यहां पे पुट करो, मैंने यहां पे लिमिट साथ नहीं रखी, यहां पे साथ होनी चाहिए x की पावर a, ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या बनेगा 1 अपान a अपान sec स्क्वायर a माइनस ए, यानी sec स्क्वायर जीरो, आपको याद रखना है cos जीरो ये होता है वन, sec जीरो ये होता है वन, बाकी होते हैं जीरो, लेकिन ये दो इसको नहीं मानते हैं, ये बोलते हैं हम वन बैठेंगे, ठीक है, तो ये आएगा वन और यहां पे हमारे पास
वन अपान ए बचा, ठीक है। तो हैंस हमारे पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई अपान फोर टू माइनस टेन एक्स इंटू लॉग टेन एक्स। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करो, मैं देखता हूं आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। तब तक मैं पेन का कलर चेंज करता हूं। ओके, नाउ देखो यहां पे हमें क्या करना है, सिंपल, पहले आपको पाई अपॉन फोर की वैल्यू पुट करनी है, यानी टू माइनस टेन पाई अपॉन फोर इंटू लॉग टेन पाई अपॉन फोर। अब हमारे पास जो टेन पाई अपॉन फोर होता है ना, वो हमारे पास होता है वन के इक्वल, यानी हमारे पास बनेगा लॉग वन। अब आपको याद रखना है लॉग वन होता है हमारे पास जीरो, ठीक है, और जो लॉग जीरो होता है ना वो होता है इन्फिनिटी के बराबर, ठीक है, जो आपको लगता है वैसा नहीं होता है। तो लॉग वन होता है जीरो के इक्वल, अब यहां पे क्या आएगा जीरो, ठीक है, यानी इसकी हमारे पास क्या वैल्यू आई, इसकी वैल्यू हमारे पास आई जीरो। एनीथिंग रेज्ड पावर जीरो इज इक्वल टू वन, बस हमारे पास क्वेश्चन हो गया। तो हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे भी हमें लिमिट फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन फोर। यहां पे आप करो जरा पुट पाई अपॉन फोर, यहां पे बनेगा टेन पाई अपॉन फोर वन, वन की पावर वन माइनस वन, यहां पे भी आपके पास बनेगा जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे आता जीरो अपॉन अपॉन में कुछ वन आता, तब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आती, सिर्फ जीरो आता, या आपके पास वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, ये भी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। अगर ऐसा आया इन दो में से तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म होगा, आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जब आपके पास जीरो अपॉन जीरो आए, ऊपर पे भी इंफिनिटी अपॉन में भी इंफिनिटी, उसी केस में आपने एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करना है। यहां पे कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आइए हम करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई अपॉन फोर, और एक चीज मैं बताता हूं आपको, यहां पे हमारे पास है टेन एक्स की पावर टेन एक्स, इसको मैं ना टेन एक्स को मैं पुट करता हूं टी के बराबर, ये मुझे अपनी चॉइस है। अब जो हमारे पास कॉपी का पेज है उसको बचाने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है, आपको पता है टेन मैंने किया आपको टी के बराबर, लास्ट पे आप उसको वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, यहां पे कोई मसला नहीं है। लिखो डी अपान डी एक्स, ठीक है, इंटू हमारे पास टेन की जगह मैंने लिखा है टी, ठीक है, टी की पावर टी माइनस टी, ओके, अपान में लॉग टी, क्योंकि यहां पे इन है मतलब लॉग, माइनस टी प्लस वन, ठीक है, अपान में भी मैं डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एक्स, ये किसके इक्वल होता था, ये हमारे पास होता था एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहां पे इस्तेमाल होगा। तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा इज इक्वल टू टी की पावर टी, ठीक है, इंटू वन प्लस लॉग टी, ठीक है, और इसकी डिफरेंशिएशन वन यानी माइनस वन अपान, ठीक है, यहां पे डिफरेंशिएशन करो, यहां पे हमारे पास लॉग की डिफरेंशिएशन वन अपान टी, ठीक है, फिर टी की डिफरेंशिएशन माइनस वन और वन की जीरो। अब जरा यहां पे आप वैल्यू पुट करो, क्या वैल्यू आपको पुट करनी है, मैंने क्या पुट किया है टेन एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स हमारे पास क्या है पाई अपॉन फोर है, यानी टेन एक्स, टेन एक्स मतलब टेन पाई अपॉन फोर इज इक्वल टू टी, यानी टी मुझे पुट करना है वन, क्योंकि टेन पाई अपॉन फोर होता है वन, ठीक है, तो पुट करो जरा आप यहां पे, देखो वन की पावर वन, तो हमारे पास आएगा वन इंटू वन प्लस लॉग वन, लॉग वन कितना होता है जीरो होता है, तो यहां पे हमारे पास बचेगा वन और बाहर से वन, वन माइनस वन और नीचे पे भी वन माइनस वन, यहां पे भी अभी हमारे पास है जीरो अपान जीरो फॉर्म। यहां पे अभी हमें और फर्दर इसको एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल करने पड़ेगा, यानी ऊपर से भी डिफरेंशिएट नीचे से भी डिफरेंशिएट, ठीक है, ओके, करते हैं हम डी अपान डी एक्स इंटू, ठीक है, टी इंटू वन प्लस लॉग टी
ठीक है, माइनस वन ओके, अपान में भी फिर से डी अपान डी एक्स इंटू वन प्लस टी। एक्चुअल में यहां पे पता क्या है, डी अपान डी टी है, लेकिन अभी आप उन चक्रों में मत पड़ो, सीधा ऐसे लिखो ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमारे पास क्या है, सॉरी यहां पे हमारे पास टी की पावर टी है, अब यहां पे टी की पावर टी इंटू वन प्लस लॉग टी, यहां पे हमारे पास बनेगा यू इंटू वी वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। ये हमारे पास क्या होता था, यू या वी जो भी आपको मर्जी है, एक रखते हैं आगे, एक की हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, प्लस फिर दूसरा रखते थे और इसकी डिफ्रेंसिएशन करते थे, बस वही आपने यहां पे भी करना है। पहले मैं क्या करता हूं, टी की पावर टी की डिफरेंशिएशन करता हूं, वो मेरे पास क्या आएगी, वो मेरे पास ये आएगी, यानी हमारे पास आएगा टी की पावर टी, ठीक है, उसका पहले देखो, सॉरी इसको रखो बाहर से, वन प्लस लॉग टी, ठीक है, और टी की पावर टी इसकी डिफरेंशिएशन करो, मैं डायरेक्ट यहां पे डी अपॉन डी एक्स नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, ये देखो यहां से वन प्लस लॉग टी ओके, यहां पे फिर हमारे पास ये, फिर हमारे पास क्या आएगा, टी की पावर टी ऐसे, और इसकी डिफरेंशिएशन आएगा इंटू वन अपॉन टी, और इसकी जीरो अपॉन वन अपॉन टी, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, यहां पे आप यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लेकिन यहां पे आपको याद रखना है वन अपॉन एक्स हो कुछ भी हो, उसकी डिफरेंशिएशन होती है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो वन अपॉन टी की क्या डिफरेंशिएशन होगी, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, ठीक। अब जरा यहां पे आप, हमने क्या पुट करना है, टी की वैल्यू वन पुट करनी है, जरा ट्राई करो क्या हमारे पास कुछ निकलता है या नहीं निकलता है। देखो हमारे पास यहां पे क्या बनेगा, वन प्लस लॉग टी, लॉग टी हमारे पास कितना बन रहा है, यानी जीरो, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जीरो बचेगा, देखो वेट मैं ना यहां पे करता हूं पुट, देखो हमारे पास हमने क्या करना है पुट, टी की वैल्यू वन, क्योंकि यहां पे हमने निकाला है, तो हमारे पास वन प्लस, मैं लिखता हूं यहां पे वन प्लस यहां पे लॉग टी, मतलब लॉग वन, लॉग वन ना, तो लॉग वन कितना होता है जीरो, ये बनेगा, फिर टी की पावर वन, यानी वन की पावर वन, तो वन ही आएगा, इंटू वन प्लस लॉग टी कितना होता है जीरो, यानी यहां पे हमारे पास वन ही बचेगा, तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, प्लस यहां पे टी की पावर टी और वन, ठीक है, तो वन ही लिखता हूं मैं सीधा, ठीक है, अपान, अपान में क्या आएगा, अपान में हमारे पास माइनस वन अपान वन, ठीक है, तो वन ही समझो इसको, तो हमारे पास कितना बना, यहां पे वन और वन, टू अपान माइनस वन, यानी माइनस टू, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहां पे थोड़ा ये लेंथी हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पे हमें दो बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ा, और ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने डाला था ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यहां तक आएगा फिर हम क्या करेंगे, अगर फिर हमारे पास 0.0 फॉर्म आई, जब तक आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए तब तक आपने चलते रहना है, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आया डी ऑप्शन।